आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल खुशी शिवाय ब्लॉग्स में। तो ना अभी टाइम हो रहा है 12:30 बज रही है, मैंने फिक्स टाइम नहीं देखा और मैं ना पूरी रेडी हो चुकी हूँ। हम जा रहे हैं आज हमारे बाबा की शोभा यात्रा में, हमारे ऋण मुक्तेश्वर बाबा की। और देखो ना मेरे हाथ पूरे गीले क्योंकि अभी मैंने बर्तन क्लीन किए और कपड़े वगैरह आपके जीजू को बोला था कि दे दो वॉश करने के, दिए नहीं, बाद में दिए थे, पड़े हैं। शिवाय के कपड़े हैं और लाडो के हैं, बाद में नहाए। तुम्हें कैसी लग रही हूँ कमेंट में पहले तो ये बताओ। आपके जीजू बोले कि बाबू साड़ी मत पहनो, जींस पहनो या सूट पहनो। देखो उनके हाथ से निकाल के गए, बोले ये पहनो या फिर ये जींस पहनो। तो उन्होंने बोला नहीं मैं पहनूंगी साड़ी। तो देखो मैंने साड़ी पहनी है, बहुत सुंदर लग रही है। और लाडो तो इतना सुंदर लग रहा है, बस गंदा नहीं हुआ हो कि बस। उसने अभी वाइट स्काई ब्लू ड्रेस पहना है, शर्ट है, शॉर्ट चड्ढा है और ऊपर से जैकेट है, जो कि अंकिता दीदी ने उसको गिफ्ट किया था वो ड्रेस पहना है उसने। तो अभी तो बाहर खेलने गया है, जब तक मैं थोड़े से और बर्तन क्लीन कर रही थी तो बोला नहीं यार पहले ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेती। और देखो मेरा एक कमरा के सब पसारे में पड़ा हुआ है, इसको क्लीन करना है। सुबह से लाडो ने बहुत परेशान किया, उसी के कपड़े पड़े हैं वहाँ पर। थोड़े बहुत बर्तन क्लीन करने के कर लेती हूँ और फिर सोनाई दी और ये लोग आ रहे हैं, फिर हम जाएँगे शोभा यात्रा में। यार साड़ी जो पहनी ना इस पर बहुत जल्दी मतलब दाग लग जाता है, पानी भी थोड़ा सा लगा कितना बड़ा हो जाता है दाग लाडो ने। और मेरे को ना चोकोस खा रही थी तो उसके हाथ पे लगा दिए, पता नहीं वो भी कब आती। सामने भाभी के घर गई है बेनू को खिलाने के लिए। चलो सुनाई दी और आते फिर मिलते हैं आपसे। सो इधर मेरा लड्डू गोपाल बाहर खेल रहा। ए लड्डू इधर आ, चल जल्दी आ। ए देख कौन आया, देख कौन आया अपने घर, चल जल्दी आ। ये देखो इसके सुंदर से बच्चे को, चलो अंदर। हाँ जी आप ना, मैं इसकी चोटी वगैरह नहीं बनाऊंगी, खुले ही हेयर करूंगी। क्या नम दू, चलो दूंगी, चलो अंदर, चलो चलो अंदर। हाँ दिख भैया भी है, चलो चलो बेटा। तो अभी ना हम सब रेडी हो गए हैं और जा रहे हैं डोला देखने। मैंने साड़ी पहनी थी, इन लोगों ने मेरी साड़ी चेंज करवा के क्या पहनाया है बताओगे तो आप हंसोगे। देखना चाहोगे, देखो देखो क्या पहना दिया इन्हें, वन पीस, जबकि मैं साड़ी पहनी थी। अब बोलना मत कि दीदी आप साड़ी क्यों चेंज की। कैसी लग रही हूँ मैं कमेंट में ज़रूर बताना। और इसका भी ड्रेस चेंज करवा दिया हूँ, करवा क्या दिया, इसने तो गंदा ही कर लिया था ड्रेस उसका। प्रिंस ना मेरे ही हाथ में रह रही है तो बहुत हाथ दर्द कर रहा है, इतना बड़ा डोला कैसे घूमूंगी मैं उसको लेके। और ना ज़्यादा साउंड बजेगा तो बोलने का तो काम रहेगा ही नहीं, आपको सब बताऊँगी झांकी वगैरह। और पता है हमारे इधर के एक अंकल ना भोलेनाथ बनेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा, हर साल बनते हैं, इस साल भी बनेंगे वो। भीड़ देखो भीड़।
We'll be right back.
तो ना अभी टाइम हो रहा है 7:13, हम डबल से रेडी हो गए हैं और जा रहे हैं वापस से डोले में, क्योंकि नाइट में ही ज़्यादा मज़ा है। डीजे वगैरह नाइट में रहेंगे, लाइटिंग देखने को मिलेगी, ज़्यादा मज़ा आएगा। चला बेटा शूज़ पहनो इधर। चलो अंकिता दीदी आ जाओ। मतलब पहले लिफ्ट से बहुत ज्यादा डर लग रहा था। अरे को यार चलो अच्छा लग रहा है। ओ तेरी एकदम फूल है ये तो। कॉर्नर वाली सीट लेंगे भी हम तो। हैंड वॉश करने नहीं जाओगे? नहा के आए हो तुम तो। अब क्या करूं मैं नहा के? उस थोड़ी में मिलेंगे यहाँ पे। खत्म हो गए? हाँ हाँ। क्या खाओगे तो आप? क्या खाओ अंकिता दीदी? माँ नुनू मतलब खत्म हो गए बेटा। इधर हमारी दाल तड़का आ गई, बटर भी आ गई और इधर हमारी बटर रोटी आ गई। पापड़ तो फिनिश हो ही गया। बुलाए थे बटर तवा रोटी, कोल्ड कॉफ़ी, आइसक्रीम वाली, पनीर पंजाबी, मसाला पापड़ और दाल तड़का।
और ज़ीरा राइस, तो उन्होंने ज़ीरा राइस नहीं जोड़ा, हाफ प्लेट ज़ीरा राइस बोला था, ज़ीरा राइस का पैसे नहीं लिए, भूल गए क्योंकि हम बीच में बुलाया था। चलो क्या